हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर इन्फॉर्मेटिव वीडियो। माय नेम इज़ रणवीर सिंह एंड यू आर वाचिंग ट्रैवल विद फूड। सो अभी इंटरनेट पे एक इमेज बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है जिसमें एक टाटा टियागो है और एक फोर्ड फिगो का एक्सीडेंट दिख रहा है। अगर आप में से कुछ लोगों ने वो वीडियो या फिर वो इमेज नहीं देखी है तो अभी आप देख सकते हैं। इसमें क्लियरली दिख रहा है कि एक टाटा टियागो है और एक फोर्ड फिगो है जिसका एक्सीडेंट हुआ है, और टाटा टियागो का जो बैक पोर्शन है वो कम्प्लीटली क्रश हो चुका है, मतलब हाफली क्रश हो गया है ऑलमोस्ट। एंड फिगो की बात करूँ तो फिगो का भी फ्रंट साइड में आपको इंजन साइड में थोड़ा इम्पैक्ट दिख रहा है इस इमेज में। सो इस वीडियो या इस फोटो को लेके इंटरनेट पे काफ़ी अलग अलग कमेंट्स हैं जिसमें कुछ लोग कह रहे हैं कि टाटा टियागो की जो बिल्ड क्वालिटी है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब है और फिगो की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि दोनों जो कार है दोनों को ग्लोबल एनकैप ने 4 स्टार अडल्ट सेफ्टी में रेटिंग दिया हुआ है। तो दोनों ऑलमोस्ट सेफ्टी के मामले में अगर मैं ग्लोबल एनकैप रेटिंग को रेफ़र करूं तो उसके अकॉर्डिंग दोनों ही कार बराबर ही है, कोई भी ज़्यादा सेफ नहीं है, कोई भी ज़्यादा अनसेफ नहीं है। लेकिन फिर इस एक्सीडेंट में हुआ क्या, बेसिकली इस एक्सीडेंट की एक्चुअली में रियलिटी क्या है, सो इस बारे में इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा डिटेल रियलिटी एग्जैक्टली क्या हुआ था इस एक्सीडेंट में। सो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। सो इस वीडियो की अगर रियलिटी की बात करूं तो जो टाटा टियागो का ओनर है उनका कहना है कि वो एक हाईवे पे साइड में अपनी गाड़ी रोक के किसी चीज़ का वेट कर रहे थे, देन ऑल ऑफ सडन पीछे से फोर्ड फिगो जो है वो 80 या 100 स्पीड से इस गाड़ी को पीछे से इम्पैक्ट करती है। अब जो टाटा टियागो का ओनर है अगर उनकी माने तो उनकी फैमिली जो पीछे सीट पे बैठी थी और जो फ्रंट सीट पे बैठी थी वो कम्प्लीटली सेफ है, उनको थोड़ी सी भी कहीं से भी कहीं तक चोट नहीं आई है। और फोर्ड फिगो के जो फैमिली है, जो भी ड्राइवर फ्रंट सीट पे बैठा था या जो भी उसमें बैठे हुए थे, वो भी कम्प्लीटली सेफ। जो भी जानकारी हमें मिले उसके अकॉर्डिंग दोनों ही गाड़ियों में बैठे हुए जो पैसेंजर या फिर जो भी फैमिली मेम्बर्स थे वो कम्प्लीटली सेफ है। सो अब बात आती है कि फिर टाटा की जो इम्पैक्ट है वो ज़्यादा क्यों दिख रहा है इस इमेज में, या फिर फोर्ड फिगो का जो इम्पैक्ट है वो कम क्यों दिख रहा है। सो बेसिकली क्या है कि मेरा मानना ये है कि आई कैन नॉट से कि टाटा जो है उसकी बिल्ड क्वालिटी ख़राब है या फोर्ड की बिल्ड क्वालिटी बहुत अच्छी है। अब इस बारे में कहना थोड़ा मुश्किल है क्योंकि जो फोर्ड फिगो का जो इमेज आप देख रहे हैं वो कम्प्लीट नहीं है, मतलब जैसे साइड इमेज आप देख रहे हैं इसका, अगर इसका फ्रंट इमेज होता तो ज़्यादा क्लैरिटी हमें पता लग पाता कि क्या एक्चुअली में नुकसान हुआ है फोर्ड फिगो को फ्रंट से। लेकिन हाँ, टाटा टियागो का इम्पैक्ट ऑब्वियसली ज़्यादा दिख रहा है इस इमेज में, जो कि क्लियरली विजिबल है, और उसको देख के कोई भी कह सकता है कि टाटा टियागो की जो बिल्ड क्वालिटी एज़ कम्पेयर टू फोर्ड थोड़ी सी कम है। लेकिन एनीवे, अगर मैं सेफ्टी की बात करूँ तो ज़्यादा मैटर करता है कि उसमें जो लोग बैठे हुए थे वो सेफ़ है या नहीं है, जो कि दोनों गाड़ियों में बैठे हुए लोग सेफ़ है। तो मेरा मानना है कि दोनों गाड़ी अपनी जगह बेस्ट है, दोनों को ग्लोबल एनकैप ने 4 स्टार रेटिंग दी हुई है। सो अगर आप इनमें से कोई भी कार ओन करते हैं या फिर ख़रीदने का प्लान कर रहे हैं, सो आई एम श्योर आपकी फैमिली मेम्बर और आपको कोई भी एक्सीडेंट या माइनर एक्सीडेंट हो या मेजर एक्सीडेंट हो को नुकसान नहीं पहुँचेगा, क्योंकि दोनों गाड़ियाँ अपनी अपनी जगह बिल्कुल सेफ है। सो ये थी इस इमेज या इस वीडियो की एक्चुअल रियलिटी। अगर आपको और कोई फर्दर इन्फॉर्मेशन या अदर कोई भी इस वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, या फिर कोई भी फर्दर क्वेश्चंस है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। सो होपफुली आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।